हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेस, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी ड्रैगन ब्लिजर्ड, जिसमें हमें सुपर ब्लिजर्ड यूज़ किए थे बैटल ब्लिम के अंदर और हमारे मास ड्रैगन अटैक किया था जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सकता है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक एक्टिव चैनल है तो आपको हमेशा नए नए वीडियोस मिलते जाएंगे, नई स्ट्रेटजीज आने वाली है सब। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा। सो लेट्स रोल आउट फॉर टुडेज वीडियो। आज मैं लाया हूँ आपके लिए फैल्कन स्ट्रेटजी टाउन हॉल 10 के लिए। फैल्कन स्ट्रेटजी में हमें यूज करने होते हैं मास वॉल्कायरी। वॉल्कायरी अटैक में क्या होता है, वॉल्कायरी बहुत फास्ट होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता है और अटैक को हमें 3 स्टार करना होता है। चलिए देखते हैं फिर। मैं पहले एक आर्मी दिखाऊंगा जो जनरली सब यूज़ करते हैं, फिर उसमें कुछ अपने चेंजेस करके सेकेंड थर्ड अटैक में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप हर बार 3 स्टार कर पाते हैं, क्योंकि ये आर्मी जो अब यूज़ करूँगा मैं उससे कई बार 3 स्टार नहीं मिलता है। तो बाद में मैं आपको मेरी मॉडिफाइड आर्मी बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहले वो आर्मी। उसमें यूज करने होते हैं 12 वॉल्काइरीज, 8 बॉलर्स, 1 बेबी ड्रैगन, 1 विज़ार्ड, 5 हीलर्स, 2 बलून और 2 आर्चर्स। स्पेल्स में हमें लेने हैं 2 हील, 3 रेज और 1 फ्री स्पेल। और क्लैन कासल में स्टोन स्लैमर, उसके अंदर बलून और पॉइजन। ये स्ट्रेटजी मोस्टली लोग यूज़ करते हैं पर मेरा मानना है कि ये बहुत फेल होती है, क्योंकि स्टोन स्लैमर जो है वो एयर है, फिर उसमें जो बलून्स है वो सब एयर है और ग्राउंड है जो है हमारा अटैक पूरा ग्राउंड है। सो इसलिए मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा फिर मेरी मॉडिफाइड स्ट्रेटजी बताऊंगा। चलिए फिर बढ़ते इस अटैक की तरफ। मेरा क्या है, वॉल्कारी लेवल 2 का था तो इसीलिए मैंने पावर पोशन यूज़ किया हुआ है। चलिए देखिए अटैक। पहले जो हीलर्स और हीलर्स देख के पता ही चल गया होगा कि पहले हमें करना है क्वीन वॉक। सो हम पहले हमारी क्वीन डाल देंगे एक कॉर्नर पे विथ 5 हीलर्स। अब हमें क्या करना है, बलून डालना है हीलर्स के आगे, जिससे कोई सीकिंग माइन हो तो बलून डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दे और हमारे हीलर सेफ रहे। और ये देखिए क्लैन कासल में से निकला इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो हमने उस पर डाल दिया है पॉइजन और हमारे क्वीन और हीलर्स पर डाल देंगे रेड, जिससे कि वो इलेक्ट्रो को डिस्ट्रॉय कर दे। और दूसरी साइड का बेस हम क्लियर करेंगे बेबी ड्रैगन से। तो देखिए हमारी क्वीन अंदर जा रही है, एक विज़ार्ड डाल दिया है साइड पे बेस क्लियर करने और एक बलून बचा था वो भी डाल दिया है विद 2 आर्चर। जैसे ही फनल हो जाए क्रिएट, फिर हमें डाल देना है सारे वॉल्काइरीज और बोलर और फिर बार्बेरियन। देखिए हमने डाल दिया एक साइड पे स्टोन स्लैमर जो डिफेंस इसको डाउन करेगा, फिर जैसे ही फनल हो चुका था क्रिएट तो हमने डाल दिया वॉल्काइरीज एंड बोलर। तो वॉल्काइरीज और बोलर को रेज दीजिए और हील दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल इन्फर्नो है इसीलिए हील दिया था मैंने। और सारी वॉल्काइरीज अंदर जा रही है, सो हील डाल दिया है लास्ट। और ये देखिए हमारे बलून जो सीसी में से निकले थे वो देख सकते हैं आप कि हमारे इसमें वॉल्काइरीज मर जा रही है क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वॉल्काइरीज को टैंक की ज़रूरत होती है, सो अब टैंक के लिए क्या लेना चाहिए ये मैंने सोचा। तो पहले मैंने एक जायंट से ट्राई किया, वो अटैक मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा। सो टैंक के लिए स्पेस बच रही थी 50 की, तो मैंने पहले लिए 10 जायंट्स नेक्स्ट अटैक में जो बताऊंगा मैं। और फिर उसके बाद मैंने सोचा 50 की स्पेस है तो हम 2 पैकास ले सकते हैं 25 पर 25 25 के। सो पैका वाला अटैक मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ट्राई कीजिए, ये वाला अटैक या फिर जायंट्स वाला या फिर पैका वाला, तीनों अटैक मैं आपको दिखाऊँगा। अभी देखिए ये अटैक हमारा जा रहा है 3 स्टार की ओर,
ये बेस थोड़ा सिंपल था इसीलिए अटैक 3 स्टार हो पाया। दूसरे बेसिस पर जब मैंने अटैक किया तो वो फेल हो गया था, इसीलिए मैं फिर मॉडिफाई करने वाला हूँ अपनी आर्मी को। नेक्स्ट अटैक में आप देखिए मेरी मॉडिफाइड आर्मी, यहाँ पे मैंने यूज़ किए जायंट्स, देख सकते हैं आप 10 जायंट्स लिए, जैसा कि मैंने बोला था 50 की स्पेस बची थी। तो अब इसमें भी शुरुआत तो सेम है, डाल देना है क्वीन वॉक। बेबी ड्रैगन डाल दिया साइड पे, क्वीन के 8 पॉइंट्स डाउन हो रहे थे तो रेज डाल दिया है। बेबी ड्रैगन ने दूसरी साइड का बेस क्लियर कर दिया। तो ये हॉक देखिए, एक हॉक लिया था मैंने एक्स्ट्रा, क्यों? क्योंकि सीसी ड्रोप्स को निकालने के लिए, देखा है आपने, क्योंकि हमारी क्वीन अंदर तो जाएगी नहीं, और अगर क्वीन पूरा राउंड मार लिया फिर हमने वॉल्कायरिस अंदर डाली और इलेक्ट्रो निकला तो वॉल्कायरिस तो इलेक्ट्रो का कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैंने एक हॉक लिया था एक बलून की जगह पर। अब जैसे ही एक बड़ा फनल क्रिएट हो जाए सारी वॉल्काइरिस को डाल देना है साथ में, और एक दूसरे कॉर्नर पर हम डाल देंगे स्टोन स्लैमर। देखिए सारी वॉल्काइरिस जायंट्स को डाल दिया है मैंने, हील और रेज डाल दिया है मल्टी इन्फर्नो का। तो और अब पीछे से हम डालेंगे हमारा स्टोन स्लैमर, देखिए सारी वॉल्काइरिस सीधा टीएच की तरफ बढ़ गई है और हमारे जायंट डिफेंस इसके ऊपर है, सारे जायंट्स लाइव है। और इस स्टोन स्लैमर में से निकले बलून्स, तो अगर आपको ये अटैक अच्छा लगा तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं लगा तो अब मैं नेक्स्ट आपके लिए लाऊंगा पैका के साथ एक अटैक, सेम फैलकन अटैक विद पैकास। पैकास के 8 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो अटैक है वो भी बहुत पावरफुल होता है, सो वो आर्मी हमारी बहुत पावरफुल होगी, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वही आर्मी यूज़ करिए। देखिए ये अटैक भी हमारा हो गया एक 3 स्टार, बार्बिलियन किंग, आर्चर क्वीन और एक बलून बचा हुआ है हमारा। अब यही अटैक हम जब वॉल रेकर लेके करूँगा मैं और पैकर्स लेके करूँगा तो आप देखिएगा कितना सक्सेसफुल होगा वो, बहुत सारे ट्रूप्स हमारे उसमें बचेंगे और वो इजीली 3 स्टार होगा। एक यहाँ पे एक बिल्डिंग बची है तो हमारे ट्रूप्स वहाँ जा रहे हैं क्लियर करने के लिए। तो ये एक अटैक हमारा हो गया है 3 स्टार। लेट्स सी द अनदर अटैक विद पैकास। देख सकते हैं आप, दो पैका लिया मैंने और जैसे ही लास्ट में मैंने लिया था एक हॉग क्लैन कासल ट्रूप्स को निकालने के लिए, तो इसमें भी मैं लूंगा एक हॉग राइडर। थोड़ा बेस पहले क्वीन वॉक से क्लियर कीजिए, फिर हम एक हॉग डाल देंगे जो अंदर जाएगा, जिससे सीसी ट्रूप्स अगर होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिया है वॉल रेकर। बाकी की आर्मी सेम है, सिर्फ पैकास वॉल रेकर बदला है मैंने। ये देखिए हॉग अंदर डाल दिया है, दूसरे कॉर्नर पे अब डाल दिया मैंने बार्बेरियन किंग और बेबी ड्रैगन, और दोनों के बीच में से डाल दूंगा मैं वॉल रेकर जो वॉल तोड़ देगा जिससे हमारे ट्रूप्स अंदर जाएंगे। देखिए क्वीन अंदर जा रही है और ये सीसी में से निकला है हॉक राइडर और आइस गोलम। तो हमने डाल दिया हमारे पैकास, देखिए पहले पैकास डाले मैंने फिर सारे वॉल्काइरिस, तो पैका हमारा बन चुका है टैंक जिससे कि वॉल्काइरिस प्रोटेक्टेड रहे। तो हील और रेज डाल दीजिए उन पर, मल्टी इन्फर्नो का डैमेज बढ़ रहा है सो हील डाल दीजिए अंदर, हील और रेज। और ये फ्रीज डाल दिया मैंने सिंगल इन्फर्नो के ऊपर। सीसी में से देखिए क्या निकला है, मैंने सीसी में लिया है एक येटी
एक सुपर आर्चर और एक जायंट लेना था, लेकिन इसकी जगह मुझे बलून मिल गया है। मुझे ये बेस्ट सी सी लगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। सुपर आर्चर मेरे TH12 वाली आईडी में था एक्टिव, तो वहाँ से दिया मैंने, और ये टी भी अभी अनलॉक किया है। तो ये टी एंड सुपर आर्चर्स इज़ अ लीथल कॉम्बिनेशन सी सी, बहुत बढ़िया सी सी है। ये देखिए सुपर आर्चर, और वहाँ पे हमारा हीलर्स ये टी के पास पहुँच चुके, इससे ये टी फुल हेल्थ पे। पैका देखिए, पैका भी हमारा बचा हुआ है, और इसमें वॉलकायरी भी बची हुई है। सो ये अटैक अमेजिंग है, अमेजिंग स्ट्रेटजी बन चुकी है हमारी। पैकास विद फैल्कन और सीसी में येटी एंड सुपर आर्चर। तो देखिए मैक्सिमम ट्रूप्स हमारे बचे हुए इसमें, पैका हमारा है, वॉलकायरी, येटी, आर्चर क्वीन, हीलर्स। सो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा 3 स्टार, और इसमें भी सीसी निकला था, वो भी 2 आइस गोलम्स थे, उन्हें भी हमने डील कर लिया और इजीली अटैक कर दिया 3 स्टार। वाओ, तो देखिए नेक्स्ट अटैक के ओर बढ़ते हैं हम लोग, सेम विद पैकास। पैकास से टैंक बनाना है, वॉल रेकर को अंदर जाने देना है, फिर वॉल रेकर टूटेगा तो उसमें से निकलेगा हमारा येटी एंड सुपर आर्चर। अगर आपको येटी और सुपर आर्चर नहीं मिल रहा, तो आप उसकी जगह जायंट्स ले सकते हैं, हॉग राइडर्स ले सकते हैं, बोलर्स ले सकते हैं, जो आप चाहे वो ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बेस्ट सीसी लग रहा है, तो अगर आपको ये मिल जाए तो आप यही सीसी रखिए। चलिए फिर हम चालू करते हैं हमारा अटैक क्वीन वॉक के साथ कॉर्नर पे। जैसे ही थोड़े डिफेंसिस डिस्ट्रॉय हो जाए और सीसी की रेंज में हमें आना है, तो हम डाल देंगे हॉग राइडर और साइड बेस क्लियर करेंगे बेबी ड्रैगन और बारबेरियन किंग से। देखिए आगे के डिफेंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो अब मैं डाल दूंगा हॉग राइडर, तो सीसी की रेंज में जाएगा, अगर सीसी में कुछ होगा तो बाहर आ जाएगा। ये सीसी इज एम्प्टी गाइस, सो अब मैंने डाल दिया है वॉल रेकर मेरा। दूसरी साइड पे मैं डाल दूंगा बारबेरियन किंग और बेबी ड्रैगन, सो उस साइड वो बिल्डिंग क्लियर कर देंगे, और हमारा फनल हो चुका है क्रिएट। देखिए आर्चर क्वीन सीधा अंदर जा चुकी है, यहाँ पे इन्फर्नो डैमेज दे रहा था तो मैंने फ्रीज कर दिया इन्फर्नो को। फिर हम डाल देंगे हमारे टैंक्स जो है पैकास, दोनों पैकास डाल दीजिए, फिर उनके पीछे सारे वॉलकायरीज। सो हमारे पैकास जा चुके अंदर, और सारे वॉलकायरीज पैकास के पीछे फॉलो करते हुए। सो पैका, ये हमारा वॉल रेकर टूट चुका है, जिसमें से निकला येटी, एक जायंट और एक सुपर आर्चर। सो हमारे पैकास की लीड को फॉलो करते हुए वॉलकायरीज उनके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमारे पैकास का बहुत बड़ा रोल है इस अटैक को 3 स्टार करने के लिए, जो हमारे वॉलकायरीज को सेफ रख रहे हैं, जिससे वो फास्ट एंड फ्यूरियस अटैक कर रहे हैं। वॉलकायरीज देख सकते हैं आप, वॉलकायरीज का फास्ट एंड फ्यूरियस अटैक अमेजिंग। देखिए यहाँ पे भी मास वॉलकायरीज बचे हुए हैं, दोनों पैकास हमारे सेफ है, आर्चर क्वीन भी है, उसकी एबिलिटी बची हुई है, सो वो आर्चर टावर को डिस्ट्रॉय कर देगी, फिर रिडन डेस्ट लाइक बचा है। और यहाँ पे देखिए आप, 4-5 वॉलकायरीज दिख रही है, 2 पैकास है, बेबी ड्रैगन भी फुल्ली सेफ है। तो गाइस देख सकते हैं आप, बहुत सारे ट्रूप बचे हुए हैं, और हम ये इजीली अटैक 3 स्टार कर जाएंगे। वाओ, वंडरफुल स्ट्रेटजी गाइस, इसे आप यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने वॉलकायरीज को अपग्रेड कीजिए। मेरे अपग्रेडेड नहीं है, इसीलिए मैंने पावर पोशन यूज़ किया है यहाँ पे। सो लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी गाइस। आर्मी मेरी हो चुकी है रेडी, सीसी में मैंने लिए वही सेम येटी, सुपर आर्चर, वॉल रेकर, पॉइजन और एक जायंट। चलिए फिर इस बेस पे करते हैं हम अपना अटैक। कॉर्नर से शुरू कर देंगे हम क्वीन वॉक हमारा। ये कैनन डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर हम डाल देंगे हमारा हॉग, जो मोड़ता, ये देखिए हॉग जा चुका है सीसी की रेंज में, सो उसमें से निकला इलेक्ट्रो ड्रैगन, सो अब उस पर डाल दिया है पॉइजन,
और आर्चर क्वीन पे रेज, जिससे इजीली वो इलेक्ट्रो ड्रैगन को किल कर दे और उसे ज़्यादा नुकसान भी ना हो। सो देखिए कैसे इजीली हमने सीसी ट्रूप को भी डील कर लिया है। अगर आप इसमें हॉग राइडर नहीं लेंगे तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन अभी नहीं निकला और आपने पूरा अटैक चालू कर दिया और आपकी आर्चर क्वीन बाहर रह गई, सो वॉल्काइरिस और पेका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो हमारा अटैक फेल हो जाएगा। इसीलिए एक हॉग लेना ज़रूरी है इस अटैक में। सो अब फनल हो चुका है, क्रिएट तो मैंने डाल दिया हमारे पैकास, उसके पीछे सारे वॉल्काइरिस डाल देंगे, तो पैका के टैंक में वॉल्काइरिस सेफ रहेंगी। सो अब मल्टी इन्फर्नो डैमेज दे रहा था तो मैंने डाल दिया हील और रेज। ये हमारा वॉल रेकर टूट चुका है, उसमें से निकले येटी एंड सुपर आर्चर। हील और रेज साथ में डाल दीजिए टूट्स पर, जिससे कि वो प्रोटेक्टेड रहे स्टार्टिंग में। अगर स्टार्टिंग में उन्हें ज़्यादा डैमेज मिल गया तो बाद में आपका अटैक फेल हो सकता है। देखिए हमारे वॉल्काइरिस का फास्ट एंड फ्यूरियस अटैक, और यहाँ पे आर्चर क्वीन की मदद करते हुए सुपर आर्चर। देखिए एक्सपो को डैमेज दे रहे दोनों, उन्होंने एक्सपो डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बाहर है हमारा येटी पेका एंड वॉल्काइरिस। देखिए 8-10 वॉल्काइरिस हमारे बचे हुए देख सकते हैं आप। तो हमारी आर्चर क्वीन और सुपर आर्चर दोनों अंदर थे, उन्हें सपोर्ट नहीं था इसीलिए वो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे फुल सपोर्ट है हीलर्स का, येटी है हमारा पेका वॉल्काइरी, तो इजीली अटैक हम कर पाएंगे 3 स्टार। जस्ट एन ऑसम स्ट्रेटजी गाइस। पेका लिया है हमने, मास वॉल्काइरी, सीसी में येटी, सुपर आर्चर, सो ये अटैक कोई भी बेस पे हम कर सकते हैं 3 स्टार की आर्मी से। बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप भी इजीली 3 स्टार कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी यूज करके। और ये हमारा एक और अटैक हो चुका है 3 स्टार, अमेजिंग अमेजिंग वाओ। चलिए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट अटैक की ओर। आर्मी आप देख सकते हैं सेम मेरे वॉल्काइरी लेवल 2 की है, सो मैंने यूज़ कर लिया है फिर से पावर पोशन। आपकी नहीं है तो आप अपग्रेड कीजिए। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ एक वॉर में अटैक, लाइव करके दिखाऊंगा और आप देखिए 3 स्टार होता है या नहीं। ये जो फर्स्ट TH-10 बेस मिला है उसी पर मैं अटैक करके दिखाऊंगा आपको। ये TH-11 बेस है, नहीं करेंगे अटैक, हम करेंगे TH-10 बेस पे अटैक। तो गाइस आर्मी आप देख सकते हैं सेम, पेका का टैंक, क्वीन वॉक, फिर वॉल्काइरिस, सीसी की रेंज देखिए। जैसे यहाँ पे बॉम्ब टावर पहले डिस्ट्रॉय करूँगा मैं, फिर डाल दूंगा हॉग राइडर जिससे वो अंदर जाए और सीसी में कुछ हो तो वो बाहर निकल जाएगा। बेस देख लीजिए आप अच्छे से, चलिए हम करते हैं हमारा अटैक। लेट्स सी इफ वी डू 3 स्टार और नॉट। तो हम शुरू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक, क्वीन विथ हीलर्स, फिर दूसरे कॉर्नर पे हम डाल देंगे बेबी ड्रैगन, यहाँ पे क्वीन के 8 पॉइंट डाउन हो रहे थे तो मैंने डाल दिया है रेज। दूसरी तरफ बेबी ड्रैगन ने क्लियर कर दिया तो अब क्वीन मुड़ चुकी है उस तरफ, जैसा कि हमने डिसाइड किया था। जैसे ही क्वीन बॉम्ब टावर को डिस्ट्रॉय कर दे हम डाल देंगे हमारा हॉग राइडर जो अंदर जाएगा, इससे अगर सीसी में कुछ हो तो वो बाहर आ जाए। देखिए सीसी में से निकले सारे बलून्स, सो हमने उन पर डाल दिया है पॉइजन और हमारी आर्चर क्वीन को दे दिया है रेज, जिससे वो सबको ईजिली डिस्ट्रॉय कर दे। यो हो सीसी डिस्ट्रॉयड। तो हम डाल देंगे हमारा वॉल रेकर, आर्चर क्वीन अपना काम करती रहेगी, वॉल रेकर डाल उसने वॉल क्लियर्स कर दिए। तो अब पीछे हम डाल देंगे हमारे पेकास एंड फिर उनके पीछे वॉल्काइरिस। यहाँ पे पेकास थोड़े दिशा से भटक गए, चलिए देखते हैं फिर हमारा अटैक 3 स्टार होता है या नहीं।
यहाँ पे हमारा जो टैंक था पैका वो भटक चुका है, लेकिन अब टैंक देने के लिए आ चुका है येटी और बार्बेरियन किंग। येटी और बार्बेरियन किंग आगे है, उनके पीछे है वॉल्काइरी और उनके पीछे है सुपर आर्चर, और दूसरी साइड पे हमारा आर्चर क्वीन और पैका। सो देखिए हीलर जो है हमारे वो पैकास को हील दे रहे, सो हमारे पैकास फुल हेल्थ पे है। येटी बचा हुआ है हमारा, वॉल्काइरी है, बार्बेरियन किंग भी बचा हुआ है। चलिए देखते हैं हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। बार्बेरियन किंग हमारा डाउन हो चुका है, लेकिन हमारा येटी बचा है जिसको आर्चर क्वीन का सपोर्ट मिल रहा है, सो इजीली वो विजार्ड टावर को डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। अब बचा है एक विजार्ड टावर और एक इन्फर्नो। सो हमारा आर्चर क्वीन जा रही है इन्फर्नो की तरफ और हमारे पैकास जाएंगे विजार्ड टावर की तरफ, सो दोनों तरफ से वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो हमारा टाइम फेल भी नहीं होगा और ये अटैक हमारा हो जाएगा एक 3 स्टार। वॉट एन अमेजिंग स्ट्रेटजी गाइस, जिससे हमको 3 स्टार मिल पा रहा है। सो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और आपको इजीली 3 स्टार मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।